नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा स्वास्थ्य है तभी हमारा जीवन है। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं, क्योंकि अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो दर्शकों, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत आप एक साल में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत आपको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं लातेहार के सदर अस्पताल में, जहां के मरीज आईसीयू का लाभ लेते हुए अपने बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं। सदर अस्पताल लातेहार की बदलती तस्वीर सुकून दे रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सदर अस्पताल लातेहार में अब हर वो सुविधा उपलब्ध है जिससे यहाँ इलाजरत रोगियों को शारीरिक और मानसिक समस्याओं से राहत मिलती है। नमस्कार दर्शकों, मैं सनी कुमार आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पहुँच चुके हैं सदर अस्पताल लातेहार में। आयुष्मान योजना के तहत यहाँ के आईसीयू की सुविधाओं का लाभ लेते सदर अस्पताल लातेहार के गंभीर मरीजों से हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के नर्स से भी हम जानेंगे कि उन्हें किस तरह से सुविधा यहाँ पे मिल रहा है। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम अनुदीपा कुजूर है, मैं यहाँ की आईसीयू की इंचार्ज हूँ। जैसे पेशेंट यहाँ पे जब आता है तो पूरे क्रिटिकल कंडीशन में आता है पेशेंट, लेकिन यहाँ से जब पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद, सेवा के बाद बेटर हो के, ठीक होके जाता है, तो फिर वो लोग खुशी से अपना घर चला जाता है। यहाँ बहुत सारा सुविधा है, हमारे यहाँ पे आयुष्मान से मरीजों का इलाज होता है। आयुष्मान कार्ड जिसका भी बनता है, जिसका भी राशन कार्ड है उसका आयुष्मान कार्ड एंट्री होता है, उससे मेडिसिन, दवा, खाना सब आता है उसी से। बहुत खुशी होता है हम लोगों को कि हमारे हाथों से पेशेंट का सेवा किया जाता है और पेशेंट ठीक होकर घर जाता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। यहाँ पे जैसे किचन में जो मेन्यू बना हुआ है, मेन्यू के हिसाब से उन लोगों को सुबह ब्रेकफास्ट में और जैसे ब्रेड, अंडा, दूध, केला, ये सब फल फ्रूट सब मिलता है। फिर लंच में होता है कि चावल, दाल, अंडा, पनीर का सब्जी, ये सोयाबीन की सब्जी, सब मतलब आहार पूर्ण खाना ही मिलता है पेशेंट को। हम लोग उनको जैसे पेशेंट सीरियस आता है तो हम लोग उनको सांत्वना देते हैं कि डरिए मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं, हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे पेशेंट को अच्छे इलाज देने का, बेहतर से बेहतर इलाज देने का कोशिश करेंगे। हम लोग उन लोग को सांत्वना देते हैं। बबीता कुमारी से, गुमला से आए हैं सर। अब लैटरिन में ब्लड आ रहा था सर, तो अब कंट्रोल हो गया है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, फ्री का इलाज हो रहा है सर, खाना उना सब मिल रहा है। हाँ सब बढ़िया है सर। बाहर में सर ये खर्चा होता है और यहाँ पे फ्री का ये इलाज हो रहा है सर। किसान करते हैं सर। हाँ जी सर, बाहर में बहुत पैसा लगता है, इसीलिए यहाँ पे इलाज अच्छा से और फ्री का होता है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। सदर अस्पताल लातेहार के प्रति मरीजों का विश्वास बढ़ने का कारण चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और आधुनिक सेवाओं का विस्तार है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में ख्याति रखने वाले सदर अस्पताल लातेहार में निजी अस्पतालों के तर्ज पर मरीजों को चिकित्सा करने की कवायद शुरू की गई है। आईसीयू में जितने भी लोगों का इलाज हो रहा है, हर और यहाँ के जो सिस्टर्स लोग हैं, जितने स्टाफ हैं, सब बहुत स्किल हैं और वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उनका इलाज करते हैं। और साथ ही वो इतने डरे सहमे में रहते हैं क्योंकि उनका पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में रहता है, तो सब हर एक को उसे सहानुभूति के साथ रखते हैं। और साथ ही यहाँ से जितने भी पेशेंट है सबके लिए दवा फ्री होता है आयुष्मान के तहत, और जो इलाज है वो खाना फ्री रहता है, खाना भी जो हम लोग देते हैं वो पौष्टिक रहता है।
और साथ ही कभी अगर इमरजेंसी में ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड भी चढ़ता है, वो भी फ्री में ब्लड चढ़ता है। तो इस तरह हम लोग आयुष्मान भारत के द्वारा हम लोग बहुत से पेशेंट को इलाज करते हैं और उनसे और भी गाँव के दूर से दूर में दूर रहने वाले जो पेशेंट हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ एक्चुअली में आते हैं पेशेंट, हर एक तरह के पेशेंट आते हैं। कभी मान लीजिए किसी को सीवियर हो गया, कोई रोड एक्सीडेंट है, बहुत सीवियर कंडीशन में रहता है, या तो हार्ट पेशेंट है या कोई भी लंग्स रिलेटेड जो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट रहती है, वो सब हम लोग सेटल डाउन करने के लिए हम लोग पहले ICU भेजते हैं। और यहाँ पे 24 आवर्स स्टाफ रहते हैं और साथ में जितने भी मॉनिटर्स के द्वारा हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं और जो मेडिसिन है यहाँ फ्री मिलता है इससे, और जो केयरिंग होता है वो बहुत बहुत अच्छा केयर रहता है सिस्टर लोग के साथ। यहाँ वैसे ही सिस्टर रहती है जो स्किल रहती है, तो हम देखते हैं अक्सर कि जो लोग इलाज कराते हैं और ठीक होते हैं और फिर जब जाने वक्त हम लोगों को भी बहुत खुशी होती है, उन लोगों को बहुत। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे बेहतर प्रयास से सदर अस्पताल में स्थापित ICU वार्ड को दुरुस्त किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब यहां अत्याधुनिक चिकित्सा व्यवस्थाओं का लाभ लातेहार जिला सहित अन्य क्षेत्रों से पहुंचे मरीजों को बखूबी मिल रहा है। यानी कि लातेहार जिले के मरीजों के लिए सदर अस्पताल लातेहार अब जीवनदायी साबित हो रहा है। ये जो आयुष्मान में जो आते हैं पेशेंट, हर तरह के लोग आते हैं, जैसे तो उसके साथ फिजिशियन जो है वो भी अटैच रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हार्ट अटैक का पेशेंट, तो उन्हें जनरल मरीज को जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो मेल डॉक्टर लोग लो देखते हैं। अगर मान लीजिए गायनी की कोई पेशेंट है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिजेरियन हुआ और कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो कोई पेशेंट एक्लेम्पसिया की पेशेंट आ गई, तो उसमें हम लोग जो फीमेल डॉक्टर है वो लोग अटैच रहते हैं। तो हम लोग अपना पेशेंट हम यहाँ रखते हैं, तो हम लोग राउंड में आते हैं, अपना पेशेंट को देखते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी आज के डेट में बहुत से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, उसमें सही है एक कड़ी का काम करती है, और बहुत से जो एकदम ग्रामीण तबके लोगों को पता नहीं रहता कि हाँ भाई मुझे ये सुविधा यहाँ मिल सकती है। तो ये चक्कर में वे लोग कभी कभी होते हैं कि क्वैक के चक्कर में पड़ जाते हैं या जादू टोना के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जो सहिया जो है और NMDD सहिया तो मेन जो ब्रिज का काम करती है, ये जो मैसेज हम देते हैं उस सहिया तक मैसेज जाता है, और सहिया उस गांव के अंतिम व्यक्ति तक सहिया वो मैसेज को कन्वे करती है। और साथ ही जो पेशेंट क्रिटिकल पेशेंट आता है उसमें सहिया भी साथ में होती है, और कभी कभी NM भी कभी कभी अगर उनके गाँव के एरिया का होते हैं तो वो भी साथ में होती है। तो सहिया द्वारा पेशेंट आता है, या तो फिर पेशेंट खुद जब अवेयर हो जाता है, जागरूक हो जाता है, तो वो खुद अपने वो मालूम है कि मुझे यहाँ पे सुविधा मिलेगी ICU में, और विश्वास पूर्वक आते हैं। विगत लंबे समय से सदर अस्पताल लातेहार को जानने वाले लोग बताते हैं कि पहले यहाँ ICU की सेवा नहीं रहने की वजह से क्रिटिकल मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता था। गंभीर अवस्था वाले मरीजों को सुविधा नहीं होने के कारण प्राइवेट अस्पताल का शरण लेना पड़ता था। लातेहार ज़िले में हम लोग का सबसे बड़ा बात है कि हम लोग के ज़िले में जितने भी CHC हैं उस सब आयुष्मान से जुड़ा हुआ है। ऐसा देखा गया है कि झारखंड में बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे कि कुछ CHC ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, जहाँ पे आयुष्मान का कार्य का काम अभी तक ठीक से चल नहीं रहा है। लेकिन हम लोग के यहाँ हर एक CHC में आयुष्मान का कार्य चल रहा है। हम लोग के यहाँ पे आपका SNCU ICU जितने भी हैं, जितने भी आपके केसेस आते हैं, ये सब हम लोग आयुष्मान के तहत रजिस्टर करते हैं। हम लोग के यहाँ जिला में पलामू प्रमंडल में हम लोग का आयुष्मान का कियोस्क सबसे बढ़िया है, जिसको हम लोग स्मार्ट पंजीकरण केंद्र बोलते हैं। वो हम लोग का पूरा पलामू प्रमंडल में एज पर स्टेट गाइडलाइंस, हम लोगों का जो बाहर आप मेन गेट पे देखेंगे वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। वो एकदम स्मार्ट सेंटर है, उसमें कंप्यूटर है, LED सिस्टम किया हुआ है, उसमें ऑडियो विजुअल कुछ डिस्प्ले करने का भी सिस्टम किया हुआ है, उसमें इंटरनेट फैसिलिटी किया हुआ है, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मैसेजेस वगैरह दिया हुआ है, बैठने का जगह किया हुआ है। और हमारे यहाँ आयुष्मान मित्र पोस्टेड हैं जो कि 24/7 लगभग काम करते हैं। जब भी ज़रूरत होता है वो लोग ऑन कॉल पे भी रहते हैं, नहीं तो जनरली वो लोग 24/7 रहते हैं। और हमारे यहाँ करीब करीब इस फाइनेंशियल ईयर का अगर देखा जाए तो
तो अप्रैल से हम लोग लेके चलते हैं, तो 600 प्लस हम लोग चल रहे हैं, 600 प्लस अदर हॉस्पिटल में हम लोग का पेशेंट चल रहा है। लातेहार ज़िले में हम लोग आयुष्मान भारत PMJY कार्ड, जिसको हम लोग आयुष्मान कार्ड कहते हैं, तो आयुष्मान कार्ड हम लोग का करीब करीब 52% के आसपास हो गया है। 52% लोगों का हमने आयुष्मान कार्ड बना लिया है, और बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और भी तेज गति से कैंप स्तर से इसको ठीक ठीक से किया जाए। सदर अस्पताल लातेहार में इलाज कराने पहुंचे किसी भी मरीज की हालत अत्यंत गंभीर अथवा जीवन के लिए खतरा प्रतीत होता है, तब उसे चिकित्सकों द्वारा गहन चिकित्सा इकाई यानी कि ICU में भर्ती किया जाता है, जहां विशेष उपकरणों का उपयोग कर बेहतर उपचार प्रदान किया जाता है। ICU वार्ड के संचालन से अब गंभीर मरीजों के परिजनों को भी राहत मिली है। लातेहार ज़िले में हम लोग यहाँ करीब मुझे ज्वाइन किए हुए यहाँ 1.5 साल हो गया है। जब से मैंने ज्वाइन किया है तो हमने 4 बार इसको कैंप मोड पे प्रचार किया था आयुष्मान भारत का। सबसे पहले हम लोग किए थे आपके द्वार आयुष्मान, जिसमें हमने सदर हॉस्पिटल से लेके हर एक CHC PHC और प्रज्ञा केंद्र जो होते हैं, और हम लोग जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड है, वहाँ पे हम लोग बैनर पोस्टर होर्डिंग लगवाए थे। ठीक है, अभी भी आपको बैनर पोस्टर होर्डिंग ब्लड बैंक के सामने दिख जाएगा। हम लोग आयुष्मान भव हुआ था, जो कि हम लोग का झारखंड में लातेहार सेकंड पोजीशन पे था। हम लोग यहाँ जितने भी आपके MLA साहब हैं, DC साहब हैं, SDM साहब हैं, हमारे समाज सेविका समाज सेवक और हमारे जिला परिषद अध्यक्ष मैडम, सबको बुला के हम लोगों ने यहाँ बहुत बड़े स्तर से किया था, जो कि हम लोग सेकंड पोजीशन पे थे उसके लॉन्चिंग में। और सरकार आपके द्वार में हम लोग आयुष्मान भारत का हर जगह कैंप वगैरह करते हैं। फिर हम लोग कुछ ही दिन पहले यहाँ अबुआ आवास योजना में DC मैडम के स्तर से चंदवा में एक तो कैंप किया गया था, तो वहाँ पे भी हम लोग आयुष्मान का कैंप लगाते हैं। और हम लोग करीब हर महीना, हर 2-3 महीना में कहीं ना कहीं कैंप लगा के कैंप मोड पर आयुष्मान कार्ड, और साथ में हम लोग आयुष्मान कार्ड के साथ सिकल सेल एनीमिया का भी स्क्रीनिंग, जिसका आपका ब्लड का, ठीक है, ब्लड का सैंपल वगैरह लेना, BP शुगर का भी जांच हम लोग साथ ही साथ करते हैं। नाम राहुल कुमार हुआ, मैं सदर अस्पताल लातेहार में एज ए हॉस्पिटल मैनेजर कार्यरत। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक आयुष्मान काउंटर बनाया हुआ है। वहाँ पे जैसे ही पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर जब भी उनको एडवाइस करते हैं एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले वो आयुष्मान काउंटर पे आते हैं, अपना पंजीकरण करवाते हैं, और उसके बाद ही वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाके भर्ती होते हैं। अगर उनका मान के चलिए कार्ड नहीं बना हुआ है, तो वो वहीं पे अपना राशन कार्ड या आधार कार्ड दे करके अपना आयुष्मान कार्ड जनरेट करवाते हैं, और आयुष्मान भारत से संबंधित जो लाभ है उनको मिलती है। जी, आयुष्मान भारत के आने से स्वास्थ्य विभाग में एक प्रकार से बोलिए जो गरीब तबके के लोग हैं, जो BPL परिवार के लोग हैं, उनके लिए काफ़ी सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं। पहले देखा जाता था कि लोग पैसे के अभाव में या तो अपना बेहतर इलाज नहीं करवा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान भारत आया है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मुफ्त में दवाइयाँ, खाना, और उनको आने जाने के लिए सुदूर जो एकदम इंटीरियर इलाके होते हैं वहाँ भी उनको एम्बुलेंस की सुविधा मिल रही है, ताकि मरीज जल्दी से जल्दी अस्पताल में पहुँच पाए और अपना इलाज करा पाए। तो इस तरह से देखा जाए तो आयुष्मान भारत गरीब तबके के लोगों के लिए एक क्रांतिकारी पहल साबित हो रही है। तो देखा दर्शकों, आपने किस तरह से लातेहार के सदर अस्पताल में ICU से मिल रहे लाभ को मरीज ले पा रहे हैं और अपने बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो चलिए, अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के रिम्स में, जहाँ के डॉक्टर आयुष्मान भारत योजना से मिल रहे लाभ की जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं, और मरीज किस तरह से इस योजना से जुड़ करके अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से करवा पा रहे, इसकी भी जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स में भर्ती होने वाले जिन मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड है, उन्हें अब इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि यह विभागों की जिम्मेदारी है कि वे आयुष्मान भारत योजना के तहत भर्ती मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। जोहार, आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। आज हम राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात रिम्स आ पहुँचे हैं।
आज हम आयुष्मान भारत योजना से लाभुक किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विषय में बताएंगे रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर हीरेंद्र बिरुवा जी। तो आइए मिलते हैं हीरेंद्र बिरुवा जी से और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के जो भी मरीज है आयुष्मान योजना से किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारे राज्य में या हमारे हॉस्पिटल में अधिकतर मरीज जो है आयुष्मान योजना अंतर्गत आच्छादित मरीज होते हैं। अब रही बात इस योजना का फ़ायदा वो कितना उठा पा रहे हैं, तो यहाँ पे इस निमित्त हम लोगों ने एक्चुअली शुरू से जैसे ही वो काउंटर में आते हैं, एक तो उनसे यहाँ पे कुछ हम लोगों ने अभी कुछ वॉलंटियर्स लगा रखे हैं, उसका सबसे पहला पार्ट होता है रजिस्ट्रेशन या और उनके पास उसका जो एक गोल्डन कार्ड होता है, गोल्डन कार्ड जो उनका बना होता है, तो वो जब भर्ती हो जाते हैं अपनी बीमारी के लिए उसके बाद वो ये योजना उन पे लागू हो जाती है। इसमें हॉस्पिटल का दायित्व होता है, एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है ट्रीटमेंट के लिए, जो सारी सुविधाएं हैं, फ्री ट्रीटमेंट, सारे दवाइयाँ और इम्प्लांट्स, जैसा नीड होता है उस हिसाब से हॉस्पिटल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो मुहैया कराना। तो इस बारे में जो ज़्यादातर जो है इम्प्लांट्स की जहाँ तक बात है, कार्डियोलॉजी में हुआ, ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोसर्जरी, यह हम लोगों ने ये सीमलेसली अभी अवेलेबल कराने का काम किया है। पिछले जनवरी फरवरी से यह सारे मरीजों को मिल रहा है। बीच बीच में कार्डियोलॉजी में थोड़ी बहुत इश्यूज आती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा जो एक अमृत फार्मेसी जिसको नॉमिनेट किया गया है, राज्य सरकार के द्वारा भी नॉमिनेट किया गया है, खासकर आयुष्मान के मरीजों को इम्प्लांट्स इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए, तो उसके अमृत फार्मेसी के माध्यम से हम लोग सारे को उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं। हम काफ़ी हद तक उसमें हम लोगों ने सफलता हासिल की है और हमको लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में हम इस पर और बेहतर कार्य कर पाएंगे। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हीरेंद्र बिरुवा बताते हैं कि योजना के तहत जैसे ही मरीजों को दवा इम्प्लांट की जरूरत होती है उसे एक दिन में उपलब्ध करा दिया जा रहा है। अभी स्थिति काफ़ी अच्छी है। ऑर्थो, CTBS, कार्डियोलॉजी सहित जरूरी सभी विभागों में तत्काल स्तर पर डिमांड पूरी की जा रही है। जैसे मैंने बताया, एक बार जब एडमिट हो जाते हैं पेशेंट, उनका रजिस्ट्रेशन होता है आयुष्मान भारत के तहत। यहाँ पे आयुष्मान काउंटर, आयुष्मान मित्र लगे हुए हैं। हम लोग आयुष्मान मित्र की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, या यूँ कहिए कि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज आयुष्मान मित्र की संख्या बढ़ा, जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीज हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ये हमारा फोकस डिपार्टमेंट है जहाँ पे अधिकतर मरीज इस डिपार्टमेंट में आते हैं। तो यह सारे मरीजों को स्कैन करते हैं और उनके लिए जो ज़रूरत की जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्री, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं। फिर वो एक रजिस्ट्रेशन होता है उनके पास, उस पर्टिकुलर डिजीज़ के इलाज के लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें जो भी उसका पैकेज उसको ब्लॉक किया जाता है, और उसके बाद उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या तो दवाइयाँ होंगी या कुछ इम्प्लांट्स होंगे, तो वो हमारे पास इंडेंट आता है विभाग से, अपने चैनल के थ्रू से और स्टोर के थ्रू से। जो स्टोर में उपलब्ध नहीं है वो हम अमृत फार्मेसी से उसको उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर हीरेंद्र बिरुवा बताते हैं कि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा और विश्वसनीय अस्पताल है। रिम्स में आधुनिक चिकित्सा व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया है। चिकित्सक पूरी तत्परता और शिद्दत के साथ मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से कर रहे हैं। झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों से पहुंचे मरीजों का इलाज भी रिम्स में होता है। महिलाओं के लिए तो ऑलरेडी JSY JHS के योजना ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे चल रहा है, तो जो उनको लेकर आते हैं उनको भी कुछ एज ए इंसेंटिव मिलता है, और जो माताएं हैं उनको भी इंसेंटिव मिलता है, ये डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। हाँ, आपने ये बात
क्वेश्चन सही किया है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना से मरीजों को ही लाभ नहीं मिलता है, इससे हॉस्पिटल को के इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए भी उसका स्कोप है। इसके अलावा डॉक्टर्स जो चिकित्सक या अन्य जो सहायक कर्मी हैं, नर्सेस हैं या लैब टेक्नीशियंस हैं, सारे को या रेडियो टेक्नीशियंस हैं, सारे के लिए एक खास परसेंटेज नियत किया गया है और उसी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक पार्ट है। तो इस एंगल से भी हम लोग इसको देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारी जो कंसंट्रेशन है वो मैन पावर डिप्लॉयमेंट पे है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना से हम लोग अधिक से अधिक मैन पावर डिप्लॉय कर सके। इस निमित्त हम लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। देश भर में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए रिम्स जाना जाता है। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ बताते हैं कि आयुष्मान भारत योजना से मरीजों को कितना लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी समीक्षा हर महीने की जाती है। जैसा कि सभी को पता है, आयुष्मान भारत योजना या भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका जो एक्चुअली फ़ायदा सारे जो इसके लाभुक हैं उनको उठाना चाहिए। इसकी सुविधा रिम्स में उपलब्ध है और उस सुविधा को कैसे बेहतर ढंग से हम एक एंड यूजर तक ले आएँ उसके बारे में हम प्रयासरत हैं। हो सकता है कि अभी बहुत सारी कठिनाइयां उनको हो रही होंगी, आने वाले समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान मित्र को बहाल कर रहे हैं, आयुष्मान काउंटर्स को बढ़ा रहे हैं। तो हमको लगता है कि जो भी इसके लाभुक हैं वो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आ सकते हैं। अगर इस संबंध में कोई भी कठिनाई होती है तो यहाँ पे आयुष्मान योजना के हमारे एक नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर राकेश रंजन, वो सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। अगर वहाँ से भी बात नहीं बनती है तो हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारी का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। तो दर्शकों, मैं आग्रह करती हूँ, अगर आपने भी अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।